आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। लगातार वर्षा के कारण नहरों के कटान की समस्या बढ़ गई है, जिससे आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के अनुसार समस्या को काबू में कर लेने की बात कही तो वहीं ग्रामीणों को बरसात के समय में कार्य करवाए जाने पर बांध के टूटने का डर सता रहा है। रामपुर जिले के स्वार सीएचसी में एक युवती की एक अन्य महिला द्वारा पिटाई कर दी गई। तो बता दें कि इस महिला को युवती ने अपने पति के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़ लिया था। वहीं मौका पाकर उसका पति फरार हो गया तो वहीं सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक ने किसी तरह मामला शांत कराया। रामपुर जिले के टांडा से भोले भंडारी सेवा मंडल की ओर से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जाने वालों के जत्थे को भव्य तरीके से निकाला गया तो वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी यात्रा का स्वागत फूल माला पहनाकर किया। इस अवसर पर जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया। भोले भंडारी सेवा मंडल की शाखा टांडा की ओर से हर साल की भांति इस साल भी अमरनाथ यात्रियों का एक जत्था जो कि अमरनाथ दर्शन के लिए जा रहा है उसके लिए आज हमने पदयात्रा निकाली और पदयात्रा बहुत भव्य बहुत अच्छी रही। सब लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाइयों ने उसका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई और हम कामना करते हैं कि हमारे जितने यात्रीगण यहाँ से दर्शन के लिए जा रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन हो, सकुशल उनकी यात्रा रहे। श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर में बाल विवाह को रोकने के लिए महिला समस्या विभाग के कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस विभाग से सहयोग की मांग की और साथ ही थानों में आए इस तरह के मामलों पर कार्रवाई करने को भी कहा, जिससे इन पर रोक लगाई जा सके। संत कबीर नगर जिले के विकास खंड नाथ नगर का हाल बेहद खराब है, क्योंकि वहां के दफ्तरों में सपा सरकार के समय से ही चल रहे सिलसिले में कोई भी कर्मचारी ना तो समय से आते हैं और ना ही कोई अधिकारी, तो वहीं कर्मचारी काफी समय से यहां पर जमे हुए हैं। लखीमपुर खीरी के नीम गांव एसओ ने मिली सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया तो वहीं पुलिस ने मौके से चार अवैध तमंचे, 19 कारतूस और 4250 रुपए बरामद किए। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा के मुरारी नगर में बनी कच्ची सड़कों पर बरसात में जल भराव के कारण हो रही परेशानी के चलते लोगों ने महिलाओं के साथ भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका और सड़क जाम किया तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया। के खुर्जा नगर के मुरारी नगर मोहल्ले में विगत दिनों जो बरसात हुई, बरसात की वजह से सड़क पर कुछ समस्या आ गई थी जिनको लेके मोहल्ले के लोग पहासू रोड पर रोड को अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, जिनमें से पांच लोगों को शांति भंग के अंदेशा में गिरफ्तार किया गया, उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तदुपरांत उनकी रिहाई हुई। सुल्तानपुर में वन महोत्सव कार्यक्रम के चलते डीएम हरेंद्र वीर सिंह ने केंद्रीय विद्यालय में वृक्षारोपण किया तो इस मौके पर सीडीओ के साथ डीएफओ ने भी पौधारोपण कर प्रकृति को हरा भरा रखने का संदेश दिया। इसी के साथ वन विभाग द्वारा 122 स्थानों पर 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य है। ये केंद्रीय विद्यालय में जैसा आप जानते हैं इस वर्ष वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये वन महोत्सव कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष शासन की तरफ से निर्देश मिलते हैं आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य यही रहता है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना वृक्षारोपण के प्रति, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के प्रति, ताकि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए भविष्य में किसी प्रकार की समस्या पैदा न हो। बवासीर का पक्का इलाज खूनी हो या बादी एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर एएम त्यागी, संपर्क करें 9758415216 9412803030 MSC क्लिनिक कमालपुर रोड गोकुलपुर गर्ल रोड मेरठ।